हमारा अगला प्रोग्राम होगा फ्लॉयड्स ट्रायंगल। फ्लॉयड्स ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, ये पैटर्न प्रिंट करना है। सपोज हमने इनपुट दे दिया नंबर ऑफ रोज 4, तो फर्स्ट रो पे 1, सेकंड रो पे 2, 3, थर्ड रो पे 4, 5, 6, फोर्थ रो पे 7, 8, 9, 10। तो अगर आप देख रहे हो नंबर ऑफ रोज, हम एक वेरिएबल आई के द्वारा इसे ट्रैक कर सकते हैं। तो रोज 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, और हर रो पे जैसे ही आई का वैल्यू बढ़ रहा है तो वहाँ पे 2 नंबर्स प्रिंट हो रहा है। आई 3 होगा तब 3 नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, जैसे आई 4 होगा 4 नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। तब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कोड द्वारा आपको इसका लॉजिक समझाने की कोशिश करेंगे। यूज़र से हम एक्सेप्ट करेंगे नंबर ऑफ रोज। जब यूज़र एंटर द नंबर ऑफ रोज करेगा, एक वेरिएबल रोज में हम स्टोर कराएंगे। वेरिएबल रोज में स्टोर कराने के बाद हम एक फंक्शन फ्लॉयड नाम से रोज को वैल्यू पास कराएंगे। चलिए आप देखेंगे फ्लॉयड में हम क्या करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करा देंगे। शॉर्ट रोज, तो यूज़र जितना रोज चाहिए उसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन पास करा दिया यहाँ पे। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल आई लेंगे, ठीक है, ताकि हम नंबर ऑफ रोज प्रिंट करा सके। तो हम क्या करेंगे, केवल आउटर लूप रन करेंगे जिसमें हम केवल 1, 2, 3, 4 एक बार प्रिंट कराएंगे, नंबर ऑफ रोज और आई प्लस प्लस, सॉरी आई प्लस प्लस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्लैश एन आई, ठीक है। इससे क्या होगा, केवल रोज आपके लिए प्रिंट हो जाएंगे और आपके स्क्रीन पे आई का वैल्यू 1 to 4 या जितने भी रोज एंटर कर दिया आपने वो वैल्यू प्रिंट होगा। चलिए इसे ऑनलाइन कंपाइलर में पेस्ट करें, ऑनलाइन GDB कंपाइलर में पेस्ट करें, इसे एग्जीक्यूट करने की हम कोशिश करें। ठीक है, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमने प्रोटोटाइप डिक्लेयर नहीं कर दिया, क्योंकि प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि हमने फ्लॉयड को मेन के बाद कोडिंग करा दिया। तो अभी प्रोटोटाइप डिक्लेयर हो गया, चलिए अब इसे कंपाइल करके रन करने की कोशिश करेंगे। एंटर द नंबर ऑफ रोज 5, तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 प्रिंट होना चाहिए। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 प्रिंट हो रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हर रो पे फर्स्ट रो पे 1 नंबर, सेकंड रो पे 2 नंबर, थर्ड रो पे 3 नंबर, फोर्थ रो पे 4 नंबर चाहिए। तो इसकी कारण हम इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, और एक लूप का इस्तेमाल करेंगे। फॉर j इज इक्वल टू 1, ठीक है, j लेस देन और इक्वल टू i, j प्लस प्लस। तो अभी हम क्या करेंगे, j का वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, परसेंटेज d i के जगह j, ताकि हर रो में जे का वैल्यू प्रिंट होता जाए। फर्स्ट रो में जे 1 प्रिंट होगा, सेकंड रो में 1, 2 प्रिंट होगा, थर्ड रो में 1, 2, 3, फोर्थ रो में 1, 2, 3, 4 प्रिंट होगा। और जैसे हर रो में हम एक बार प्रिंट करेंगे, एक रो प्रिंट करने के बाद हमें एक ब्लैंक लाइन यानी न्यू लाइन जनरेट करना पड़ेगा। तब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्रिंट एफ बैक स्लैश एन लिख के न्यू लाइन जनरेट करेंगे। तो थोड़ा आपको समझाना यहाँ ज़रूरी है, ये जो फॉर लूप है केवल इस प्रिंट एफ पे एक्ट करेगा। ये जो फॉर लूप है, आउटर फॉर लूप आई का जो फॉर लूप है, ए लूप भी कंट्रोल कर रहा है, ए स्टेटमेंट भी कंट्रोल करेगा और ए स्टेटमेंट भी कंट्रोल करेगा। तो समझ लीजिए आई का वैल्यू या रोज का वैल्यू 3 है, तो क्या होगा, यहाँ एंटर होगा पहले जे 1 प्रिंट होगा, जे होगा 2, आई होगा वापस 2, जे होगा 1, 1 इज लेस देन 2, तो अगले बार वापस 1 होगा, 1 प्रिंट होगा, j होगा 2, 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, तो j का वैल्यू 2 प्रिंट होगा, j होगा 3, 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, i होगा 3, 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ रोज 3, j वापस 1, 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, तो j यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, j होगा 2, 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, तो 2 प्रिंट होगा, j होगा 3, 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, 3 प्रिंट होगा, j होगा 4, 4 लेस देन और इक्वल टू 3 फॉल्स, i होगा 4, 4 लेस देन और इक्वल टू 3 ये भी फॉल्स, और हम बाहर आ जाएंगे। चलिए अब क्या करेंगे, केवल j की वैल्यू प्रिंट करके आपको दिखाएंगे आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, j को हमने डिक्लेयर करना भूल गए, तो j को भी यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा हमने और कहीं गड़बड़ कर दिया है लाइन 33, तो हमने 2 डबल कोट्स डाला है यहाँ पे एक्सेस से है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज समझ लीजिए 4 है। अब देखिए आउटपुट कैसे आएगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 1, 2,
3 4 आ रहा है। चलिए हमें यहाँ से एन हटाना है, तब सही दिखेगा आपको। चलिए अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। नंबर ऑफ रो 4, देखिए फर्स्ट रो पे 1 1 2 1 2 3, 1 2 3 4। अब हमें क्या चाहिए, फर्स्ट रो पे 1, सेकेंड रो पे 2 3, थर्ड रो पे 4 5 6, लास्ट रो पे 7 8 9 और 10। तो इसका ये पैटर्न जनरेट करने के लिए हम और एक वेरिएबल यूज़ करेंगे जिसका वैल्यू है के इक्वल टू 1। तो अगर हम जे के जगह के प्रिंट करें यहाँ पे, ठीक है, तब आप देखोगे कि ये प्रॉब्लम फ्लॉइड्स ट्रायंगल का आउटपुट आपको दे देगा। नंबर ऑफ रोज 4 देखिए, अब आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने के को इसी कारण इंट्रोड्यूस कर दिया क्योंकि हर रो पे पिछले रो का लास्ट नंबर से एक नंबर बढ़ना चाहिए। ये हम के का वैल्यू इंट्रोड्यूस करने के बाद ही हम वो पॉसिबल था, के बिना हमें वो आउटपुट नहीं मिल सकता था। केवल जे यूज़ करते तो हम वो आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। तो इसी कारण के का वैल्यू यूज़ करने के बाद हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह आउटपुट मिल रहा है। अगर चलिए हम नंबर ऑफ रोज इंक्रीज करें, नंबर ऑफ रोज चाहे तो हम 10 प्रिंट करें, ठीक है, और हम क्या करेंगे इसे थोड़ा ऊपर ले लेंगे ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लॉइड्स ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 के बाद 16 21 के बाद 22। ये पॉसिबल था क्योंकि हमने ये वेरिएबल के यूज़ कर दिया। तो हर बार हमने के को प्रिंट कर दिया, के का वैल्यू इंक्रीमेंट करते गए हम। तो के क्या था, जब अगले लाइन पे जा रहा था के का पिछले वैल्यू से एक बढ़ा के का वैल्यू प्रिंट हो रहा था। यहाँ पे हम केवल नंबर ऑफ रोज एक्सेप्ट कर रहे थे, फ्लॉइड विथ नंबर ऑफ रोज पास कर रहे थे। ये दो लूप इसलिए चाहिए था क्योंकि हमें रोज और कॉलम के वैल्यू दोनों प्रिंट करने थे। अगर केवल रोज प्रिंट करना है तो आई का वैल्यू काफ़ी है, क्योंकि कॉलम प्रिंट करना है हमें जे का वैल्यू काफ़ी है। लेकिन हम 1 1 1 2 1 3 1 2 3 ऐसे प्रिंट नहीं कर रहे थे, हम रो के वैल्यू इंक्रीज कर रहे थे। इसी कारण हमने वेरिएबल के का वैल्यू इस्तेमाल कर दिया।